मित्रों, ब्रिक्सिस इंडिया डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर की ओर से राकेश राव का नमस्कार। कैट के अच्छे दिन आ गए हैं। इस वीडियो में आज मैं कैट दुनिया की नई धड़कन ब्रिक्स कैट सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, जो आज विश्व भर में ऑटोकैड का 100% कॉम्पैटिबल सबसे बेहतरीन और स्टेबल सॉफ्टवेयर माना जाता है। पिछले 37 सालों से ड्राइंग कैड के मंच में ऑटोकैड ने अपना नाम कमाया, राज किया और मार्केट शेयर हासिल की। काफ़ी सालों तक ऑटोकैड इस्तेमाल करके लोगों ने करोड़ों ड्राइंग्स बनाई और आज ऑटोकैड DWG फाइल एक तरह का स्टैंडर्ड बन चुका है। लेकिन आज कैड के दुनिया में स्थिति कुछ मुश्किल बन गई है। ऑटोकैड ने परमानेंट लाइसेंस या परपेचुअल लाइसेंस बंद की है और आप सिर्फ रेंटल बेसिस पे खरीद सकते हैं। इसका मतलब आपको हर साल ऑटोकैड यूज़ करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। यह चीज़ आज के बिजनेस परिस्थिति में बहुत से लोगों के लिए मुश्किल बन गई है। इतना ही नहीं, आपको ऑटोकैड रन करने के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे, आपको हाई एंड सिस्टम्स खरीदने पड़ेंगे। चाइना और अन्य देशों में बनी कई सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में ऑटोकैड यूज़र्स को दिया जा रहा है कि भाई ले लो, ये आपका सॉल्यूशन है। ये सॉफ्टवेयर इन सॉफ्टवेयर में न क्वालिटी है, न सपोर्ट या स्टेबिलिटी। चाइनीज माल से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर है। इन सब समस्याओं के हल में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रिक्स कैट वर्जन 18, कैट दुनिया की नई धड़कन। ब्रिक्स कैट एक 100% ऑटोकैड कॉम्पैटिबल सॉफ्टवेयर है। बेल्जियम यूरोप की बनी यह एक इंटरनेशनल क्वालिटी और R&D द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर है। ब्रिक्स कैड और ऑटोकैड दोनों की नेटिव फॉर्मेट DWG है। जो फाइल आप ऑटोकैड में बनाए हैं वो ब्रिक्स कैड में एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और फिर से ऑटोकैड में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कन्वर्शन या ट्रांसलेशन लॉस नहीं है। डेटा फॉर्मेट एक ही है DWG, और वो आप दोनों ब्रिक्स कैड और ऑटोकैड में यूज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके जितने भी सपोर्ट फाइल्स हैं जैसे हैच पैटर्न्स, लाइन टाइप्स, प्लॉटर कलर टेबल्स, पेन असाइनमेंट टेबल, ये सब ब्रिक्स कैड में उपलब्ध है और बिल्कुल वैसे ही नज़र आएंगे जैसे ऑटोकैड में। जो फाइल आप ऑटोकैड के लिए बनाए हैं उसे आप ब्रिक्स कैड में विदाउट चेंज यूज़ कर सकते हैं। कैड के जितने भी मैक्रोस, कमांड्स और टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम है ब्रिक्स कैड में। इसका मतलब यह कि ब्रिक्स कैड यूज़ करने के लिए आपको कोई अधिक ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप ऑटोकैड जानते हैं तो ब्रिक्स कैड ऑटोमेटिकली यूज़ कर पाओगे। आइए इस PPT में ब्रिक्स कैड और उसकी कंपनी ब्रिक्सिस के बारे में कुछ जानकारी ले लें। यह स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स कैड आपको वो ही फेमिलियर 2D और 3D इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो आप अन्य सॉफ्टवेयर में देखते हैं। ब्रिक्स कैड में आपको कम पैसे में ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, नेटिव फॉर्मेट DWG है जो दोनों ऑटोडेस्क प्रोडक्ट ऑटोकैड और ब्रिक्स कैड या फिर कोई भी अन्य सॉफ्टवेयर जो DWG यूज़ करता है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रिक्स कैड की ये खासियत है कि ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टमों में चलती है। चाहे आप विंडोज़, लिनक्स या एप्पल मैकिंटोश यूज़ करें, आप एक ही लाइसेंस को तीनों सिस्टम में चला सकते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को आपको चेंज करने के लिए लाइसेंस डीएक्टिवेट और रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर काफ़ी सिंपल और ऑनलाइन है। ये आप देख रहे हैं यूज़र इंटरफेस जो आपको काफ़ी फेमिलियर लगेगा, क्योंकि हर 3D और 2D सॉफ्टवेयर में इसी तरह का इंटरफेस चलता है और इसको समझने में कोई अधिक ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ इनोवेटिव फीचर्स हैं ब्रिक्स कैड में, जैसे क्वाड कर्सर, जिससे आप कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू हर एक एंटिटी और ऑब्जेक्ट के ऊपर निकाल सकते हैं। 2D ड्राफ्टिंग, ये सारे आपके लेआउट्स और डिटेलिंग ड्राइंग्स जो है आप उसी तरह बना सकते हैं जैसे पहले बनाते थे, या फिर 3D मॉडलिंग जिसमें कॉम्प्लिकेटेड 3D असेंबलीज सब बना सकते हैं आप। 3D मॉडलिंग में कई स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी हैं जैसे सरफेस क्रिएशन, ट्विस्ट, थिकन, लॉफ्टिंग, ब्लेंडिंग और सो ऑन। इन सब ऑपरेशंस को आप ब्रिक्स कैड में आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ब्रिक्स कैड में आप एक्सटर्नल रेफरेंस यानी XREF यूज़ करके एक एक पार्ट बना सकते हैं, जिन सब को एक साथ एक ड्राइंग में असेंबल करके असेंबली मॉडलिंग बना सकते हैं। असेंबली मॉडलिंग से आपको काफ़ी सुविधा होगी
क्योंकि हर एक कंपोनेंट अपने ही DWG में बना रहेगा, और जो भी चेंजेस आप DWG में करेंगे वो आपका कंप्लीट मॉडल में एकदम रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ब्रिक्स कैट के साथ इनबिल्ट क्लाउड कनेक्टिविटी है, इसका मतलब है कि आपको 1 GB तक की डेटा मुफ्त में शपू सर्विस के द्वारा आपको 1 GB का स्पेस मिलेगा, जिसमें आप ड्राइंग्स सेव कर सकते हैं, जिसको आप कहीं भी किसी भी समय और कोई भी इसको ब्रिक्स कैड से खोल सकता है और एडिट कर सकता है। ऑटो कैड के बाद ब्रिक्स कैड में सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस उपलब्ध है। ब्रिक्स कैड की खासियत यह है कि ऑटो कैड के बाद यही एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस कंपनियां ने डेवलप की है। 1,500 से अधिक थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ ब्रिक्स कैड आज नंबर 2 एप्लीकेशन है ऑटो कैड के बाद, जिनमें आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस कोई भी डिसिप्लिन के लिए पा सकते हैं, जैसे सिविल, मैकेनिकल, सर्वेइंग, मैपिंग, आर्किटेक्चर, HVAC, फैसिलिटीज मैनेजमेंट, मॉडलिंग या जो भी हो, उनके लिए आप ब्रिक्स कैड के एप्लीकेशन स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रिक्स कैड 3 एडिशंस में अवेलेबल है, मतलब इनके 3 फ्लेवर्स हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट सिर्फ 2D में है तो आपको ब्रिक्स कैड क्लासिक काफ़ी है। ये एंट्री लेवल वर्शन है, लेकिन ये ऑटो कैड LT से बेहतर है क्योंकि इसमें लिस्प भी चलती है। उसके बाद ब्रिक्स कैड प्रो, जिसमें आपको 2D के साथ 3D मॉडलिंग भी पॉसिबल है। इसके साथ आप यहाँ पे ARX, BRX और .NET के प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो BRX के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसके लिए BricsCAD Pro होना ज़रूरी है। इसके बाद सबसे हाई एंड एप्लीकेशन है BricsCAD Platinum, जो काफ़ी एडवांस्ड यूज़र्स के लिए है। इसमें एडवांस्ड 3D और सब मैकेनिकल डिज़ाइन फीचर्स हैं, जैसे मैकेनिकल लाइब्रेरीज, 3D कंस्ट्रेंट्स, असेंबली मॉडलिंग, डिज़ाइन इंटेंट रिकॉग्निशन, इस तरह के काफ़ी एडवांस्ड फीचर्स हैं। जो मैंने मैकेनिकल लाइब्रेरीज की बात की, ये भी काफ़ी एग्जॉस्टिव है। इसमें आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, जापनीज स्टैंडर्ड्स, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, जो भी आप स्टैंडर्ड्स आपको इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब तक जो मैंने बताया ये है स्टैंडर्ड ब्रिक्स कैड। इसके अलावा 3 एडिशनल मॉड्यूल्स हैं जिसका सेपरेट चार्ज है, और इन 3 मॉड्यूल में आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ काम कर सकते हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है ब्रिक्स कैड बिम। ब्रिक्स कैड बिम रेविट के तरह एक बिम एप्लीकेशन पैकेज है, जिसमें आप इंटेलिजेंट बिल्डिंग मॉडलिंग कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आप काफ़ी आसानी से यहाँ पे डिज़ाइन करके इसका लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। ब्रिक्स कैड बिम में आर्किटेक्चरल बिम उपलब्ध है। आगे चल के वर्षन 18 और वर्षन 19 में आपको HVAC, स्ट्रक्चरल और अन्य बिम के डिसिप्लिन्स भी उपलब्ध होंगे। दूसरा मॉड्यूल है ब्रिक्स कैड शीट मेटल, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए यूज़फुल है। ये खास करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ है। और शीट मेटल में ऐसा है कि आप जो भी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, जिसका आप CNC मशीन में कट करके मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका आप 3D मॉडल बना के उसको खोल के, मतलब उसका अनफोल्डिंग करके उसका पूरा मटेरियल प्रॉपर्टीज़, कटिंग एंगल, कटिंग डिस्टेंस, सब ब्रिक्स कैड शीट मेटल में काफ़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। और जो अनफोल्डेड मटेरियल है उसको आप अपने ही तरीके से एडिशनली जो भी डिटेलिंग करना है या एडिटिंग करना है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आखिर में जो आपको डेटा मिलता है वो स्टैंडर्ड DWG डेटा है। तीसरा एडिशनल मॉड्यूल है ब्रिक्स कैड कम्युनिकेटर, जो कैड डेटा एक्सचेंज में यूजफुल है। इसमें आपको 45 कैड फॉर्मेट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, जैसे सॉलिडवर्क्स पार्ट फाइल, कटिया NX असेंबलीज, स्टेप फाइल, IGES फाइल। इन सब फाइल को आप आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मान लो आपके कंपनी में काफ़ी अन्य 3D सॉफ्टवेयर है जिनमें से आप इन फॉर्मेट्स को जनरेट कर सकते हैं, या मान लो आपके कस्टमर ने या सप्लायर ने कोई भी 3D फॉर्मेट आपको भेजा है, तो ब्रिक्स कैड और कम्युनिकेटर के साथ आप इन फॉर्मेट्स को आसानी से इंपोर्ट करके आपके सिस्टम में व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और प्रिंट, प्लॉट, स्केलिंग जो भी है कर सकते हैं। हमें गर्व है कि ब्रिक्स कैड और
इन मॉड्यूल्स जो भी आपको प्राइस पॉइंट में मिलता है विद इन 1 लाख के रेंज में, आप जो भी सॉल्यूशन आपको ब्रिक्सकैट के द्वारा मिलता है वो प्राइस रेंज आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये गारंटी हम आपको 100% दे सकते हैं। लाइसेंस टाइप, अलग अलग कंपनियां और इंडिविजुअल्स को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्सकैट के भी काफ़ी फ्लेक्सिबल लाइसेंस टाइप्स हैं। सिंगल लाइसेंस वो है जो आप एक एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, इसको नोड लॉक लाइसेंस भी कहते हैं। ये लाइसेंस ट्रांसफरेबल है, इसका प्रोसीजर है कि आप इसको ऑनलाइन डीएक्टिवेशन करें और कोई और सिस्टम में इसका ऑनलाइन एक्टिवेशन करें। वॉल्यूम लाइसेंस में आपको एक की मिलेगा जो आपको हर कंप्यूटर में यूज़ करने का प्रोविजन होगा। इस तरह का लाइसेंस बड़े बड़े कंपनियों में काफ़ी सुविधाजनक है। नेटवर्क लाइसेंस सर्वर पर इंस्टॉल होता है और सर्वर के साथ जुड़ी जो भी कंप्यूटर्स हैं वो नेटवर्क सर्वर से ये लाइसेंस यूज़ करके अपने सिस्टम पे ब्रिक्सकैट रन कर सकते हैं। एकेडमिक लाइसेंस स्टूडेंट्स और कॉलेजेस के लिए है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ब्रिक्सिस वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड और अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के डिटेल्स अपलोड कीजिएगा और इससे आपको फ्री में 1 साल के लिए स्टूडेंट लाइसेंस मिलेगा। अगर आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर या एचओडी या प्रिंसिपल है और आप चाहते हैं कि अपने कॉलेज में ब्रिक्सकैट यूज़ हो तो आपके कॉलेज के लिए भी फ्री लाइसेंस अवेलेबल है। हमसे संपर्क कीजिएगा और हम आपको इसकी जानकारी दे देंगे। ब्रिक्सकैट में ऑल इन सब्सक्रिप्शन होता है। इसमें क्या है कि आप अगर आज ब्रिक्सकैट खरीदेंगे आपको 1 साल तक जो भी माइनर और मेजर अपग्रेड्स हैं वो आपको मुफ्त में मिलेगा। इसमें आपको प्रायोरिटी सपोर्ट और फ्री ईबुक जिसमें आप ब्रिक्सकैट फॉर ऑटोकैड यूजर्स के बारे में जान सकते हैं, इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। आशा है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। ब्रिक्सकैट वेबसाइट जाइएगा और डाउनलोड करके इसका 30 दिन तक आप ट्रायल यूज़ कर